आज आप सब आए हैं द वॉइस इंडिया के लॉन्च पर, लेकिन कहीं और कुछ गाना बजाना हो रहा है। आइए देखते हैं कहां पर। मेला दिलों का आता है और जोड़ देता है टूटे रिश्ते, ऐसा ही मेला आया है आनंदी के लिए। कलश के सीनियर बालिका वधू में मेला मिला रहा है निम्बोली और आनंदी को। जरा देखिए तो आज कैसे निम्बोली और आनंदी एक साथ घूमर डांस कर रही है। माँ और बेटी का ये अनोखा मिलन एक लंबे समय के बाद सीरियल में नजर आया है। मुझे लगता है मैं 11 साल के बाद डांस कर रही हूँ। हाँ, बहुत टाइम के बाद मौका मिला है डांस करने का, और निम्बोली है साथ में तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो वो मुझे लेके जाती है डांस करने के लिए। और निम्बोली आई है अपनी तीसा के साथ और लकीली हम दोनों मिल जाते हैं। अपने रिश्तों से अनजान निम्बोली और आनंदी आज झूम के डांस कर रही हैं। आनंदी की ममता एक बार फिर उमड़ पड़ी है। निम्बोली को देखकर आनंदी को अपना बचपन याद आ गया। निम्बोली में आनंदी को अपना अक्स नजर आया। पर जरा देखिए तो इन दोनों का ये मिलन। इसी के साथ निम्बोली को अपना भाई भी मिला, लेकिन ये सब नहीं जानते कि ये सब एक ही परिवार का हिस्सा है। भाई तकदीर का ये अनोखा तमाशा हो रहा है आनंदी के साथ। भाई मेला है, नाच है, गाना है, सजावट है, लेकिन इसी के साथ ट्विस्ट भी कर रहा है सीरियल में इंतजार। निम्बोली की बहन कमली गोपाल के साथ भाग गई है, इसलिए अखिराज सिंह और उनके पूरे गुंडे इन दोनों के पीछे लगे हुए हैं। यानी एक तरफ मिलन तो दूसरी तरफ ड्रामा। वैसे पर्दे के पीछे गोपाल और कमली इस मेले का मजा उठा रहे हैं। भाई मेला जहां एक तरफ रिश्तों को जोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोई इन रिश्तों पर नजर घड़ाए खड़ा है, और वो है अखिराज सिंह, क्योंकि गोपाल और कमली का पीछा करते करते उसे निम्बोली और आनंदी का सच भी पता चलेगा। और तब आएगा बालिका वधू में ड्रामा। अगर अखिराज सिंह को गोपाल मिल जाता है सच में, अभी मुझे पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिल जाता है तो उसे काट काट के बोटी बोटी करते हैं। थारे बापूसा को मैं बताऊंगा। पर मेरे बापूसा ये नहीं जानते हैं कि जो कमली का बॉयफ्रेंड है गोपाल, वो भी किसी से कम नहीं है, तो वो भी पूरी हिम्मत लगा देगा कि कमली उसी के पास रहे और अपनी बोटी बोटी खुद ही इकट्ठी करेगा। फिलहाल माँ और बेटी का घूमर डांस देखना काफी दिलचस्प था। तक भी रोक।